मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है और पल दो पल मेरी जवानी है। ये कहकर महेंद्र सिंह धोनी ने अचानक चुपचाप अपने चौंकाने वाले तरीके से 15 अगस्त को अचानक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। एक बार फिर इसी तरह चौंकाते हुए चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि CSK के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने IPL से संन्यास की सारी चर्चाओं पर लगाम लगाते हुए क्रिकेट फैंस के लिए दिल तोड़ देने वाली खबर बता दी है। भारत में क्रिकेट को एक धर्म की तरह देखा जाता है। सचिन को लोग भगवान मानते हैं तो दादा को फायर, वहीं धोनी को पूरा देश क्रिकेट का दिल मानता है। महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे क्रिकेटर है जिन्हें पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस पसंद करते हैं। भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद धोनी सिर्फ IPL खेल रहे हैं। IPL टीम CSK में वो बतौर कप्तान के तौर पर जुड़े हुए थे, लेकिन IPL 2022 के शुरू होने से ठीक दो दिन पहले महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़कर सभी को हैरान कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने ये साफ कर दिया कि वे कम से कम एक और सीजन में अपनी पसंदीदा पीली जर्सी पहनेंगे और CSK के फैंस सेना निश्चित रूप से उन्हें अपने प्रिय चेपॉक मैदान में विदाई मैच खेलते हुए देख सकेंगी। धोनी के संन्यास को लेकर पिछले कुछ समय से चर्चा चल रही थी, लेकिन उन्होंने पहली बार मंगलवार को साफ संकेत दिए कि वे आगामी सीजन में खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि IPL की अगली नीलामी में टीम में बड़ा बदलाव होगा। धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो पिछले IPL सीजन के फाइनल का है। बता दें, IPL 2021 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराया था। IPL की शुरुआत यानी 2008 से ही माही CSK के कप्तान रहे। हालांकि 2016-17 में मैच फिक्सिंग की वजह से CSK को IPL में बैन कर दिया गया। जब टीम की वापसी हुई तो फिर से धोनी को ही टीम की कप्तानी सौंपी गई। धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने 4 बार IPL का खिताब अपने नाम किया। रविंद्र जाडेजा 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा है। इस सीजन मेगा ऑक्शन से पहले सर जाडेजा को फ्रेंचाइजी ने 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। CSK का कप्तान जाने के बाद स्टार ऑलराउंडर ने अपना पहला रिएक्शन देते हुए कहा, मैं कप्तानी को लेकर ज्यादा टेंशन में नहीं हूँ, क्योंकि धोनी मेरे साथ खड़े हैं। मुझे उनका मार्गदर्शन मिलेगा। मेरे मन में अगर किसी तरह का कोई सवाल रहता है तो मैं धोनी के पास ही जाता था और जाता रहूंगा।